गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहां पर हो रही है डोसा बनाने की तैयारी और सब कुछ चॉप करके यहां पे रखा है और यहां पर आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो आलू भी मम्मी छील लेगी। उसके बाद भाभी आलू की चटनी बनाने की तैयारी करेगी जो डोसे में लगती है। तो यहां पर मसाला डोसा बनाने की तैयारी चल रही है। मम्मी भी हेल्प कर रही है भाभी को बनाने में, मैं भी हेल्प कर रही हूँ और हम तीनों भी लगे हैं डोसा बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर भाभी ने पहले ही डाल दिया था, आप लोगों को तो पता ही है डोसे का बैटर। और उसके बाद यहाँ पर भाभी चटनी बना रही है, उसके बाद आलू छील के मम्मी दे रही है और मैंने ये क्या बोलते हैं मूंगफली भून ली है, वो भी माइक्रोवेव में भुनी है तो जल्दी भुन गई। और उसके बाद मैं ना डोसे का बैटर वगैरह निकालूंगी, तो ये सब कुछ मैं करूँगी। और यहाँ पर भाई ने नारियल तोड़ के दिया है हमें, तो नारियल और मूंगफली की चटनी बनेगी आज। और यहाँ पर बना रही है भाभी डोसे की चटनी, मतलब आलू की चटनी। तो यहाँ पे मूंगफली ठंडी हो रही है, उसके छिलके मैं निकालूंगी। और यहाँ पे भाभी चटनी बना रही है आलू की, तो उसमें प्याज डाला है पहले कढ़ाई में और कड़ी पत्ता ऐड किया है और वो हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पर मूंगफली की चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने नारियल निकाल दिए थे, छिलके निकाल दिए थे उसके नारियल का। और उसके बाद यहाँ पे प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है भाभी ने, और अच्छे से उसे भून लेगी। उसके बाद उसमें आलू ऐड करेगी, जो कटे हुए आलू है बॉईल किए हुए वो ऐड करेगी। और यहाँ पर बन चुकी है ये ग्रीन ग्रीन सी दिखने वाली आलू की चटनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि इसमें ग्रीन चिलीज डली थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। और उसके बाद मैं डोसा बनाने की तैयारी करूँगी और कुछ डोसे मैं बनाऊँगी, कुछ डोसे भाभी बनाएंगी। तो आ जाइए सभी भाभी के हाथों से बने डोसे खाने, आज है डोसे की दावत हमारे घर पे। और उसके बाद अभी धनिया पत्ता ऐड कर दिया है उसके ऊपर से और बन गई है ये चटनी। उधर मैं मूंगफली की छिलके निकाल रही थी और यहाँ पर मम्मी इसे पीस रही थी, मतलब नारियल को काट काट के, तो वो यहाँ पे पीस लेगी। उसके बाद मैं वहाँ पर मूंगफली के छिलके निकाल के मम्मी को दे दूँगी और मम्मी ना उसकी चटनी बनाएगी। तो यहाँ पर वो भी बन रही है साथ साथ में। और उसके बाद मैं डोसा बनाने की तैयारी करूँगी। तो डोसा तो वैसे पहले पहले तो डोसा एक डोसा तो ख़राब ही हो जाता है, उसके बाद का जो डोसा बनता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, कड़क बनता है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कुछ हम लोग इडली बनाते हैं या डोसा बनाते हैं तो हम लोग खाना ही नहीं बनाते हैं उस दिन, बस वही चलता है। तो लंच में वही रहेगा, जैसे कि हम लोग ब्रेकफास्ट भी वही उसी का करेंगे और लंच भी उसी का करेंगे, दिन भर वही ही चलता रहेगा। अभी डोसा बन रहा है तो पूरा डोसा ही चलेगा शाम तक, तो हम लोग ब्रेकफास्ट में भी डोसा ही खाएंगे और लंच में भी डोसा ही खाएंगे, और उसमें से जो बचेगा वो हम लोग डिनर में भी खाएंगे, कुछ लोग जिसको ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है डोसा और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है डोसा, तो वो लोग तो रात को भी वही खाए थे उन्होंने। तो यहाँ पर वही निकाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी उससे उसमें और वो पतला बना लूँगी। एक्चुअली डोसे का बैटर बहुत ज़्यादा फूल गया था, उसने थोड़ा सा धूप में रखा था तो इसी वजह से बहुत अच्छे से फूल गया था डोसे का बैटर, तो बहुत अच्छे अच्छे डोसे बने थे उसके। बस आज खाना बनाने का तो टेंशन है नहीं, हम लोग यही खा लेंगे, उसके बाद हमें बाहर भी जाना है कहीं, तो वही उसकी भी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली डोसा मैं पहले बना के दिखा रही हूँ उसे, क्योंकि कैसा है कि ये जो डोसा है पहले पहले थोड़ा सा ख़राबी होता है, मतलब एक दो डोसे ख़राबी होते हैं, तो पहले पहले मैं बना रही हूँ, उसके बाद वो बनाएगी। तो यहाँ पर जल्दी थी, भाई या मम्मी बैठी थी खाने के लिए और मैं उनको बना के दे रही थी, भाई भी बैठा था, पापा भी बैठे थे, एक्चुअली सबको मैंने पहले फास्ट फास्ट बना के दे दिया और उसके बाद उसको बनाने के लिए बोला सारा। और हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पहले से ही स्टार्ट कर दिया है उसने काम करना, तो उसका घर है यार, मतलब वो काम नहीं करेंगी तो और बताओ कौन काम करेगा यहाँ पे। और वो खुद के ही घर पे काम कर रही थी ना, दूसरे के घर पे तो काम कर नहीं रही थी, तो खुद के घर का वो खुद ही करेगी ना, मतलब खुद का घर अच्छा दिखना चाहिए, इसी वजह से उसने स्टार्ट कर दिया था आते ही काम करना। और एकदम से आते ही दूसरे ही दिन नहीं उसने स्टार्ट किया काम करना, मतलब उस दूसरे दिन नहीं लगी था, आप लोगों में से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि दूसरे ही दिन उसको कामों में लगा दिया, तो पहले दिन तो पहली रसोई ही होती है, तो वो तो सबके यहाँ पे रिवाज होता ही होगा पहली रसोई का, तो उस दिन तो उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रस्म में आता है, मतलब रस्म ही होती है पहले रसोई वाली, तो वो तो उसी को करना पड़ेगा। उसके बाद से फिर उस दूसरे दिन से रेगुलर रूटीन स्टार्ट हो गया था, तो दूसरे दिन से तो फिर उसने काम करना स्टार्ट ही कर दिया।
और थोड़े से ही काम है मेरे घर पे, कुछ मम्मी कर लेती है, कुछ मैं कर लेती थी, और मैं तो बहुत कम करती थी, बट मम्मी कर लेती थी, मम्मी हेल्प करती थी उसको, और वो उसमें से मैं कुछ ही शूट कर पाती हूँ और कुछ ही दिखा पाती हूँ। तो आपको ऐसा ये मतलब नहीं है कि पूरा काम वही करती है दिन भर। और हाँ, यहाँ पर हम लोग आए थे कुछ फर्नीचर का देखने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला था हमें कि आप थोड़ा सा फ्रिज वगैरह चेंज करना था उनको, तो इसी वजह से फ्रिज देख लो, और कुछ डाइनिंग भी चेंज करना था तो डाइनिंग भी देख लो, तो वही देखने गए थे हम लोग, और देख के आ गए थे यहाँ पे, यहाँ पे सुनार के यहाँ पे आए थे हम लोग, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि उसको जो नेक मिला है उसने उसका कुछ गोल्ड लिया है, तो वही देखने आए थे। उसको इयररिंग्स चाहिए थे घर पे पहनने के लिए गोल्ड के, तो वही देखने आए थे हम लोग। और जो उसका नेक जमा हो गया था उसके पास, तो उसका कुछ ना कुछ करना भी था, और वो जो पैसे है वो अच्छे काम में लगाने थे। मतलब जैसे कि पापा बोल रहे थे कि कुछ गोल्ड ले लो, मतलब कुछ दूसरा कुछ लोगे तो पैसे ऐसे ही चले जाएंगे। इसी वजह से पापा ने उसको बोला कि गोल्ड लेके आओ कुछ तुम्हारे लिए, तो उसने गोल्ड की इयरिंग देखे, और मुझे ये माही के लिए पसंद आए थे, तो ये माही के लिए भी मैं देख रही थी। तो मैं आपको घर पे जाके उसके गोल्ड की इयरिंग्स दिखाती हूँ, वहाँ पर दिखाना नहीं हुआ क्योंकि डिज़ाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, इसी वजह से उसने फिर लास्ट में लिए जो इयरिंग्स उसको चाहिए थे, तो वो जो इयरिंग्स लिए है उसने वो मैं आपको घर पे जाके उसकी डिज़ाइन दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे लिए हैं, काफ़ी अच्छे लग भी रहे हैं उसके कान में। तो यहाँ पर हम लोग आए थे पानी पूरी खाने। एक्चुअली मैं शादी के बाद काफ़ी सालों के बाद आ रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, मम्मी के यहाँ पे जाती हूँ ना, तो बहुत कम घूमती हूँ बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी के साथ या घर पे टाइम स्पेंड करती हूँ। अभी यहाँ पर भाभी के साथ बाहर आए ही थे, तो मैंने सोचा चलो पानी पूरी भी खा लेते हैं, क्योंकि जो शादी के पहले की यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी। तो हम लोग आए थे यहाँ पर पानी पूरी खाने, और उसका तो ये गांव ही है, मतलब खुद का भी गांव है, तो उसको कुछ लग ही नहीं रहा था। जैसे कि वो बोल भी रही थी मुझे कि मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरी शादी हो गई है, मतलब वही जगह है, वही मार्केट है, वही जगह है जहाँ पर मैं पहले पानी पूरी खाने आती थी, वहीं पे अभी भी पानी पूरी खाने आ रही हूँ। जो मार्केट में मैं पहले घूमती थी वही मार्केट में मैं अभी भी घूम रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी शादी हो गई है करके, तो यही वो मुझे बता रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग पानी पूरी वगैरह खाएंगे, उसके बाद घर पर जाएंगे। तो घर पर ना नॉनवेज बनने वाला था आज, तो पापा ने चिकन वगैरह ला के रख दिया था घर पे, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने आज डोसा ही खाया था सिर्फ, तो इसी वजह से भूख भी लग गई थी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खाएंगे, फिर उसके बाद घर पे चले जाएंगे। तो ये है वो इयररिंग्स जो उसने लिए है घर पे पहनने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उसके कान में। आपको कैसे लगे इयररिंग्स की डिज़ाइन ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पर बन रहा है नॉनवेज, तो ये नॉनवेज एक्चुअली इनको मेरे हाथों से बना हुआ नॉनवेज पसंद है, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि आप ही बनाओ। तो मैंने यहाँ पे उसने मसाला वगैरह ग्राइंड करके मुझे दे दिया था, तो यहाँ पर मैंने वो कर दिया है, मतलब नॉनवेज की ग्रेवी बना दी है। उसके बाद वो जो कुछ मसाले हैं वो ऐड करने थे तो वो डाल दे रही है, और एग्स भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला भाई है, जैसे कि इसका हस्बैंड, वो चिकन वगैरह नहीं खाता है, चिकन मीट कुछ भी नहीं खाता है, तो इसी वजह से उसके लिए एग्स लाने पड़ते हैं। तो एग्स भी बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पर वही मसाले वगैरह डाल दिए हैं उसने, तो यहाँ पर चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है, और इसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। चिकन रेडी हो गया है, आज चिकन गावरान चिकन लाया था पापा ने, तो बहुत टेस्टी बना था, और दो चार जनों के हाथ लगे थे उसे, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसी वजह से मतलब पहले मैंने ग्रेवी बना दी उसको, वो फिर मसाले उसने ऐड किए उसमें, उसके बाद माही के पापा आए, उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की, ऐसे करके तीन चार जनों को हाथ लग गए थे उसे, तो अच्छा चिकन बना था, बहुत टेस्टी बना था। बस यहाँ पर बैठ गए हम लोग खाने, आप भी आ जाइए खाने, जिन जिनको पसंद है उन्हीं के लिए बोल रही हूँ, जिन जिनको नहीं पसंद है, जो वेजिटेरियन है उन्हें नहीं बोल रही हूँ, वो लोग डोसा खाने आ जाइए। और चलिए फिर इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे तो उसके बाद बेल आइकॉन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।